इमरान भाई रुखसत हुए और उनके बदले आए हैं रईस भाई। रईस भाई अपने लोगों के लिए सलाम वालेकुम। हाँ अब यहाँ से ये गाइड करेंगे अपने को, एक वहाँ पर हो गया ये वाला हो चुका है अपना सीकरी पैलेस, अब सीकरी पैलेस हो चुका है, अब यहाँ पर दूसरा है फतेहपुर। हाँ मिल जान बस हाँ बस पे बाद में जाएंगे, अभी पहले यहाँ का घूमने का बाकी है। अच्छा सुनिए आप, अभी आपने जो देखा वो सीकरी है, हाँ अकबर का पैलेस जो अकबर ने अपनी तीनों रानियों के लिए बनाया, ये सेकंड पार्ट है जिसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर अकबर ने किसी के लिए नहीं बनाया, सिर्फ अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख सलीम चिश्ती जिनकी दुआ से महारानी जोधाबाई को औलाद हुआ, तो ये पूरा एम्पायर अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। यार पानी बहुत लग रहा है इधर पे, बहुत प्यास लग रही है क्योंकि धूप भी वैसी है यहाँ। हाँ अब गर्मी लग रही है, हाँ अब पता चल रहा है, जल्दी चलो। तो यहाँ पर चप्पलें निकालनी है और ये पहनना है, और नहीं पहनेंगे तो चटका बहुत खतरनाक लगेगा, वो अभी मैंने महसूस कर लिया है। तो यूसुफ भाई तू भी पहन ले, तो आज का नजर आया ना, ऐसा लग रहा है पैर में कुछ भी नहीं है। हाँ मस्त है ना, आ जा नूर। हाँ ठंडा है ठंडा है। बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, हाँ नाम है हजरत शेख चिश्ती। अच्छा इसकी दुआ से अकबर को औलाद पैदा हुई। हाँ आई देखो यहाँ पर ना दरगाह पर जाने के लिए टाट बिछाई हुई है ताकि गर्म ना लगे पैरों में, छक्के ना लगे। आ जाओ आ जाओ। पहले इसमें सब लड़की बात सुनिए। हाँ हाँ तो ये फतेहपुर सीकरी किसी दूसरे मुगल ने नहीं, तीसरे मुगल ने जिनका नाम था अकबर। अच्छा और पहले मुगल थे बाबर, सेकंड मुगल थे हुमायूं, हुमायूं के लड़के थे अकबर। अकबर की तीन बीवियां थी, तीनों बीवियां अलग अलग धर्म से थी, हिंदू मुस्लिम ईसाई। अच्छा तीनों रानियों से उनको कोई औलाद नहीं, इनकी दुआ अकबर को औलाद हुआ जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। ओके तो यहाँ पर आके अकबर 1569 में आए थे, 1590 में पूरा जगह जंगली इलाका था। अकबर को यहाँ पर तीनों बीवियों के बीच एक रानी से औलाद हुआ जिनका नाम था महारानी जोधाबाई, उन्होंने अपने बेटे का नाम इनके नाम पे दिया सलीम। सलीम सलीम के नाम तो जहांगीर, जहांगीर जहांगीर की खुशी में पूरा एम्पायर बनाया गया। उस ज़माने में अकबर के वेलकम की जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो जेंट्स, महारानी जोधाबाई के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो किन्नर, जिनको उस ज़माने में किन्नर नहीं बोलते थे, ख्वाजा सरब। अच्छा वो सेफ्टी करते थे। और ये सामने जो देख रहे हैं छोटा दरवाज़ा जिस महारानी जोधाबाई के लिए बनाया। अच्छा। कि मैं जब भी जाऊँ झुक के जाऊँ अदब के साथ। ओके इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर थे अब्दुल फजल फैजी फ्रॉम ईरान, वहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी की परेशानी को दूर करने के लिए इसके अंदर 52 टैंक बनाए गए। अच्छा जमाने में टैंक नहीं बोलते थे, बाबरियाँ बोलते थे। हाँ बाबरियों में पानी स्टॉक करा जाता था नहाने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए। मगर आज भी सलीम चिश्ती के मज़ार पे जो पानी गिरता है लोग उसको गंदे पैर या गंदे काम में इस्तेमाल नहीं करें, सारा पानी मज़ार का वाइट वाले पिलरों में होते पिलर में होते और सीधा इस कुएं में जमा होता है बीच में जो बना हुआ। हाँ, हाँ, बाबा और सीधा वो कोली टूट के अंदर मटके वाले बाबा का तबरुक सभी को बांट। अच्छा और आइए वो नाली बनी हुई है नहीं क्या बताया था, तो पानी का सीन ना हो। हाँ छोड़ दे उनका हाथ पकड़ ले मम्मू। हाँ ये भी ठीक है। ये जो कब्रें हैं ये सारे लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर जिनको दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करवा के रंगून पहुँचाया गया था, ये सारी कब्रें सूफी परिवार। अच्छा इनमें से कुछ लोग डॉक्टर हकीम थे जिनको हकीम बोला जाता था, और ये स्पेशल लोग थे जिनका गरीब लोगों का ध्यान रखते। तो ये वाली जो कब्रें है बाहर की तरफ जो है वो जेंट्स लुक की है, और अंदर की तरफ जो है ना वो लेडीज़ लुक की है। मतलब हकीम जो नहीं क्या जेंट्स भी रहते थे लेडीज़ भी रहते थे उस टाइप का सूफी परिवार। देख लें तो पसंद कितने की 60 रुपये। और कौन कौन से ये सिंपल में ये लगे नहीं 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 चलेगा नहीं। आ जाओ इधर आ जाओ।
नहीं बोले हाँ कवर है ना यीशु लेडीज कवर ये देख इधर पे बाजू में तेरे ये देख चलो नहीं आते लोग हाथ में भाग जाते खेलेंगे नहीं तुम तुम्हारे से कुछ कल में लिखे हुए थोड़ा दूर से चल पैरने लगना चाहिए यीशु पैरने लगने देना हाँ पापा और दुआ करना इनके लिए अल्लाह इनकी बख्शिश अता फरमा था मैं तो दुआ कर रहा हूँ इन लोगों के लिए आप भी दुआ करना ये वाली सुरंग का रास्ता है आगरा फोर्ट से दिल्ली एक पर्सनल सीक्रेट रास्ता बनाया था खास के लिए कभी हमला हो जाए राजा महाराजा सिर पे बन जाए ये उस जमाने में इसलिए अकबर की 403 दासियां थी ये अनारकली को यहाँ से निकाल गए अच्छा ऐसा नहीं कि ये सुरंग डायरेक्ट वहाँ तक है मगर कुछ रास्ते में गुप्त में हो जाती है कहीं जगह ओपन हो जाती 40 किलोमीटर दूर तो अकबर की 403 दासियाँ थी उनमें से एक दासी की लड़की थी अनारकली तो उनको जब मौत का हुक्म सुना दिया दीवार में चुनने का मगर मरवाया नहीं गया उसे निकाल दिया आगरा फोर्ट से दिल्ली दिल्ली से लाहौर अच्छा लाहौर के अंदर उसका कवर है अकबर के बेटे की शादी कराई गई थी नूर जहाँ से जिनके लड़के थे साजा अच्छा जिनकी उनसे पैदा हुआ था साजा पैदा हुआ और उनके बाद उनकी दूसरी शादी हुई थी जिनका नाम था हरका भाई वो जोधपुर के रहने वाले ओके आई तो ये वो सुरंग बताई जा रही है जहाँ से हाँ उतार जाओ मेरी जान और गाइस जरूर दुआ करना हाँ यूसुफ आ जा हाथ पकड़ मेरा ये छोटा दरवाज़ा है जिससे रानी अंदर जाती थी झुक के ताकि वो अपना एहतराम पूरा कर सके ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा जिसका साइट आप देख रहे हैं हाँ अभी कंप्लीट करके फ्री हुई है मैं आपको वापसी ले दूँगा चलो ठीक है अपन वहाँ से है ना नूर हाँ बादशाह दरवाजा हाँ ये है सबसे बुलंद दरवाजा गुंबद का पानी जो है ये पिलर के जरिए यहाँ से उतर के सीधा उस कुएं में जाके जमा होता है ठीक है तो कुआ उस तरफ कहीं जाके देख लेंगे ग्राउंड वहां पर भी ये हम लोग मस्जिद की तरफ है और वही देख रहा हूँ मैं हाँ है मस्जिद है ना अंदर हाँ मस्जिद दिखाता हूँ तुम लोगों को संभाल के उतरना नूर हाँ मस्जिद आज भी है हाँ इधर की ना दिख रही आयत है उधर पे लिखी हुई हाँ थोड़ा उजड़ गया है ना तो हो गया आप लोगों को मस्जिद भी दिखा दिए अब चलो अपने को चलने का है बुलंद दरवाजे की तरफ बुलंद दरवाजे को नजदीक से दिखाते अभी लेकिन अफसोस इस बात का है कि मस्जिद को भी ऐसा आराम गा के जैसा ट्रीट किया जा रहा है बाकी सब ठीक है चलो आओ अभी चलते हैं बुलंद दरवाजे की ओर ठीक है ये बुलंद दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से रहेगा बुलंद दरवाजा तो वो कौन सा दरवाजा जहाँ से अपन है फतेहपुर सीकरी यहाँ गुंबद कितने सारे बने हुए बहुत है नहीं बहुत सारे गुंबद है गुंबद नूर ये लोग खुशियों पे महल बना देते थे जो दिल में आया वैसा बना देते थे जहाँ जैसा समझ में आया वैसा बना देते थे
ऐसी लास्ट खुशी क्या थी तेरी जो सबसे ज्यादा थी जिसमें तू महल बना देती? कुछ नहीं थी। इतनी बड़ी खुशी नहीं हुई मेरे को कि मैं महल बना दूं। तो ये हम लोग बुलंद दरवाजे के अंदर की ओर, और यहाँ से लेफ्ट भी वैसे ही है सेम, राइट भी वैसे ही है सेम। पकड़ो इसको, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, आ जाए इधर से व्यू देख लो। वाव, अरे घोड़े की नाले लगी हुई है बहुत सारी इधर पे नूर। हाँ नाले, घोड़े की नाले देख, इस साइड भी लगी, वो भी छोटे घोड़े की भी, छोटा बड़ा सब है, छोटा घोड़ा बड़ा घोड़ा हाथी बकरा है कि नहीं? ये देख ना, ये बकरे की नाले, ये हाथी की नाले, मस्ती कर रहा हूँ। ये सीरियस हो जाती है हर चीज में। वाव नूर, नूर मधुमक्खी के छत्ते देख ऊपर, आ जा। ओहो यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। वाव और थोड़ा नजदीक जाता हूँ। हाँ ले सकती है, किसकी अपनी चप्पल? बाहर चप्पल, यहाँ नहीं है भाई, वो दूसरा दरवाजा है, ये दूसरा दरवाजा है। अरे नूर यार व्हाट इज दिस, यहाँ तो मैं आया इसका व्यू लेने के लिए। हाँ भाई, हाँ भाई, ये सिटी व्यू पूरा बड़ा वाला दरवाजा, दुनिया का सबसे बड़ा गेट। हाँ ये मायने ऊंचा गेट में दरवाजा, एशिया में सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे चौड़ा है। अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अहमदनगर 1601 में जब बनवाया था चांद बेबी से फतेह करने के, आज अहमदनगर महाराष्ट्र में है, पहले गुजरात में था। अच्छा तो ये भी फर्क है, अरबी कुरान लिखा हुआ है, आयत लिखी हुई यहाँ पर भी, और 9 फीट इसका अर्थ है, और नीचे से इसका हाइट 176 फीट है। अच्छा नीचे से काउंट करे तो ये पूरी सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ के यहाँ पर 76 है, और यहाँ से इसका हाइट जिस जगह आप पढ़े प्लेटफॉर्म हाइट 134। ओके और क्या बोलते यहाँ से इसका जो देख रहे हैं वाइट, हाँ ये क्या है, गरीब खाना है, वो वाटर टैंक। अच्छा ये वाटर टैंक है, ये गरीब खाना। गर्मी बहुत है तो मैंने ना यहाँ पर ना कलिंगर ले लिया, वैसे तो नूर ने भी ली कुछ सेलेक्ट, लेकिन मैंने ना कलिंगर ले लिया। तो चले, तो हम लोग सब ब्लैक में थे, यूसुफ भाई ने उल्टी कर दिया करके उसका शर्ट बदलना पड़ा, आउटफिट चेंज हो गया। हाँ लेकिन ब्लैक में घूमे हम लोग। हाँ। चलो फिर चलते हैं भाई, ये गोविंदा तिरछी टोपी वाले। ओह तो मजा आ रहा है नूर, मजा आ रहा है बिल्कुल मजा। अभी हम लोग ना रेस लगा रहे थे मैं और यूसुफ, यूसुफ के साथ। हाँ। अब्बा हाँ थैंक यू। क्यों क्योंकि आप आज महल ले लिए, अच्छा चलो 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 चलते, पानी वहाँ से गुंबद का पानी उतरेगा, फिर वो नाली के थ्रू जमा होएगा, कहाँ जमा होएगा वो तो वजू खाना है ये कुएं में। हाँ ये देख नाली आई है बराबर यहाँ से, ये देख क्या समझे, बारिश में भरेगा समझे भी भैया, 60 रुपए दे दो पहले तुम दो उसको भाई, वो एक हाथ से लेगा तभी दूसरे हाथ में देगा। 1000 रुपए का तो अपने पास में है ना मम्मू, हमारे हाथ से डायरेक्ट पैसा जाता ही नहीं है, जोड़िए मेरे को ये देना, जाना पड़ेगा था। ले लो ले लो ले लो पैसा ले लो ले लो, हाँ ले आप दे दे याला, दे 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 दे, अरे दे दे भाई साले लेता लेकिन देता नहीं है, दे 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 अम्मी को दे 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 दे, गुदगुदी कर इसको, गुदगुदी कर, गुदगुदी कर, चिल्लर भी उसके हाथ में नहीं, एक नोट रहेगा उसके हाथ में, 20 रुपए दे दे, 10 रुपए हटा दे, ये गंदा है वो अच्छा है, ये तू का गायब कर रहा पैसा, ये ले ये ले दे, चल बांध दे। ओह माय गॉड खाना में बैठा हुआ अभी ये बताने लायक हुआ नहीं भाई।
चलो ना। उसकी टिकट नहीं है अपने पास, बड़ी बस की टिकट है, बड़ी बस में जाएंगे। यही बोल रहा था ना तुम, कैसा हेड़ा बनाया, उल्लू बनाया। हम लोग वापस वही मिनी वाली बस में बैठ गए। पिच्छू भी पिच्छू वाली का ना सफर अलग है। ये पिच्छू की वजह से तो उल्टी नहीं हुई इसको? नहीं, इसको पानी कितना पिया, इडली एक इडली नहीं खा उसने, एक गिलास पानी पी गया, निंगल रहा था खाली, उल्टी होगी ना। बाय 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 बाय। देखा मैंने तभी तो मैंने मिक्स फ्रूट लिया, बोला कलिंगा दे दो 20 रुपए में कलिंगा टमाटर ला के दे रहा हूं आपको। भाई फ्रूट चाहिए मेरे को कलिंगा से। हां झूला भी है। उसके बाद मैं बोला आम भी मिक्स करो तो बोलता आम का 40 रुपए अलग से। मैं तो देखा केला भी नहीं डाला उसने एक भी प्लेट में। जो दिख रहा है मेरे को वो घाघरा चोली टाइप वो पहनते नहीं अपने घर में, कोई नहीं पहनता। मम्मी क्या सो? अब्बा बोले देखो ले। लेकिन मैं तेरी अम्मी को बोला तेरे को कुछ देख ले, तेरे को कब बोला? मुझे भी दे हाँ, अभी मैंने मना किया ना कि खिलौना नहीं लेना, तो नूर को बोलता है कुछ भी नहीं खरीदना आप, तुम्हारे मतलब मेरे से ले रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं खरीदना, ये गलत बात है। अच्छा देखो यहाँ पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मेरे साथ में भाई है पप्पू भाई, इनकी इनकी शक्ल अपने पुनीत सुपरस्टार से मिलती है क्या? नहीं मुझे कमेंट करके बताना। ये मैं कब से देख रहा हूँ इनको, ये देखो पुनीत सुपरस्टार दिख रहे मुझे। सो अभी हमारा बच्चा सोया हुआ है, लंबा सफ़र हो गया, हम लोग वापस से आ गए वहाँ से 45 किलोमीटर दूर से, अभी आगरा फोर्ट जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे। थोड़ा डिम लाइट है। जीरा राइस खाएगा सादा राइस खाएगा? सादा राइस, दोनों मेरे लिए। हाँ दोनों तुम्हारे लिए, दे देंगे ना, अभी चाची को नहीं देगा? चाची को तो मैं ये बड़ा दूंगा। और जीनी को? जीनी को अरे अल्लाह, ये सबका खाना आ गया। अरे यार तेरे लिए खाना मंगाया मैंने इतना अच्छा। तो ये खाना आ गया गाइस हम लोग का। हाँ यम्मी, खाने का टेस्ट अच्छा है। कभी तूने टेस्ट? हाँ। मैं तो टेस्ट भी नहीं किया, देखो रोटी अभी तक हाथ में, दाल आ गई थी, राइस भाई यूसुफ का, यूसुफ सूखा राइस खाता ना, उसके साथ में उसको चिकन डाल के दे दियो। आई सेलेक्ट। हाँ मम्मा परेशान करेंगे मूड में आज। तो ये अभी हम लोगों की आगरे की जो लास्ट ट्रिप है क्या नहीं? हाँ तो ये आ गए हम लोग लाल किला, बस यहीं से कहीं एंट्री है, एंट्री करते हैं और करते हैं आगरे के लाल किले की सैर। गंदा पटाखा। हाँ लेता हूँ ना मेरी जान। ये उतरते से कांदा पटाखा लगा। अभी तो गाड़ी में घूम रहा था, ऐसा भी नहीं कि पैदल चल रहा था। पैदल चल रहा था? नहीं इतना नहीं चला तू पैदल। चलो आओ।